हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा मेडिकल कॉलेज जहां पर एमबीबीएस की नहीं लगती है कोई भी फीस। जी हां, आप यहां पर खाली हाथ आओ और अपनी एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट करके जा सकते हो। इसके अलावा ना सिर्फ एमबीबीएस बल्कि आप पीजी भी यहां से कर सकते हो, लेकिन इस मेडिकल कॉलेजेस के कुछ रूल्स ऐसे हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो क्या फॉलो करने पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। कौन सा मेडिकल कॉलेज है, कौन यहाँ पर एडमिशन ले सकता है, कितनी फीस लगती है और किस किस तरीके से आपको यहाँ पर बातों का ध्यान रखना है, वो सारा इस वीडियो में। कट ऑफ की भी मैं बात करूंगा कि कितनी कट ऑफ यहाँ पर रहती है और अगर आप चाहते हो कि एडमिशन लेना तो आपके लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, कौन से स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं, वो सारी डिटेल से मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आपको अगर MBBS करना है और आप चाहते हो कि MBBS डिग्री आपको फ्री में करनी है तो फिर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना, ध्यान से देखना, आपको मैं सारी चीज़ें समझा दूंगा। बाकी आपके कोई कमेंट होंगे तो वो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। लाइक और सब्सक्राइब कर देना कुछ नया सीखने को मिले तो। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बात करते हैं इस मेडिकल कॉलेज की। तो मेडिकल कॉलेज का नाम है श्री मधुसूदन साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, चिक्कबल्लापुरम, कर्नाटका के अंदर ये मेडिकल कॉलेज है। और ये मेडिकल कॉलेज बहुत ही ज़्यादा पुराना नहीं है, ये इसका उद्घाटन पिछले ही साल अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से 25 मार्च 2023 को किया गया था और कल ही है उनकी तरफ से किया गया था और काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड रही थी पिछले साल। और बात करेंगे कि इसमें कितने MBBS सीटें हैं उसके बारे में। तो देखो, नंबर ऑफ MBBS सीट्स यहाँ पर 50 हैं और आपको स्क्रीन के ऊपर चीज़ें दिखती भी रहेंगी जो कि आपको फोटो जितने भी अवेलेबल होंगे मैं लगा दूंगा। तो नंबर ऑफ MBBS सीट यहाँ पर 50 है, लेकिन इन 50 सीट्स के अंदर से भी गवर्नमेंट MBBS सीट है 50 में से गवर्नमेंट MBBS सीट है 20 और इन 20 सीट्स की फीस होती है जीरो फीस, कोई फीस नहीं लगती। हाँ, आपको कहीं पर देखने को मिल सकता है कि 750 रुपीज आपकी फीस लग सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको लगेगी, लेकिन एक MBBS डिग्री करने के लिए 750 रुपये कोई बहुत ज़्यादा रकम है नहीं, आप उसको जीरो ही मान सकते हो। जैसे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में होता है कि आपको लगता है कि वहाँ पर कोई भी फीस नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो बच्चे एग्री करते हैं वो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर बात करें प्राइवेट MBBS सीट की, तो वो 50 में से 20 प्राइवेट सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं जिसके भी फीस कोई फीस नहीं है, यानी कि जीरो फीस के ऊपर वो भी अवेलेबल है। बाकी बात करते हैं और सीटें कौन सी हैं जो बच गई है। बात करें NRI सीट्स की, तो NRI सीट्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं 7 और इनकी फीस जो NRI की फीस है वो 40 लाख रुपीज फीस है। तो ये बात बहुत ज़्यादा क्यों, की सीट्स भी अवेलेबल हैं 3 और जो कि भी अवेलेबल हैं 40 लाख रुपीज की फीस के ऊपर। तो इस तरीके से टोटल जो 50 MBBS सीटें हैं, हालांकि इन फ्यूचर में हो सकता है इनको इंक्रीज कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल 50 MBBS सीटें हैं जो कि इस तरीके से डिवाइडेड है, जो कि आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गई होगी। और अगर आप कुछ कॉमेंट या फिर आपका कोई डाउट है तो वो आप जरूर पूछ सकते हो। अब बात करते हैं उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की, कि वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर कोई फ्री में चीज़ें अपन को करवा रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई कीमत तो अपन को चुकानी ही पड़ेगी। अब यहाँ पर एडमिशन लेने से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ से अगर आपने वीडियो पहले सही से नहीं देखा है तो अब यहाँ से ये वीडियो बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहला है, यहाँ पर मैंने नोट किया हुआ है कि बॉन्ड पॉलिसी या फिर यहाँ के रूल्स क्या हैं, तो यही समझ के चल लो कि रूल्स क्या हैं। बाकी बॉन्ड देख लो या अंडरटेकिंग समझ लो, उस नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसका काम पर क्या फर्क पड़ेगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, फ्री सर्विसेज फॉर 5 ईयर्स इन रूरल एरियाज, तो अगर आप यहाँ से MBBS करते हो तो 5 साल के लिए आपको रूरल एरियाज के अंदर अपनी फ्री सर्विस देनी पड़ेगी। हालांकि आपको पे थोड़ा किया जाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर सर्विस नहीं दे सकते। तो ये ध्यान रखना कि इस मेडिकल कॉलेजेस में अगर आपने MBBS की है तो 5 साल तक कंपलसरी है कि आपको रूरल एरियाज में सर्विस देनी पड़ेगी। उससे अगले स्टेप पे चलते हैं, इफ परस्यू फीस पीजी कोर्सेज, तो अगर आप यहाँ से पीजी भी करते हो, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि ना सिर्फ आप यहाँ से MBBS कर सकते हो बल्कि पीजी भी यहीं से कर सकते हो, तो 5+3 ईयर्स की आपको सर्विस देनी पड़ेगी, यानी कि इसमें 3 साल और एड कर लो। अगर आप पीजी यहाँ से करते हो तो फिर आपको 3 साल और सर्विस करनी पड़ेगी, तो 5+3 साल यानी कि टोटल 8 ईयर्स तक आपको रूरल एरियाज में सर्विसेज देनी पड़ेंगी और ये कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो और अगर आपके माइंड में आता है कि हम अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो देखो, इफ यू रिफ्यूज टू सर्व,
तो आप अगर आप ये सर्व करने से मना कर देते हो तो कर सकते हो, आपके पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। लेकिन उस टाइम पर आपके पास 3.60 करोड़ रुपीज़ यानी कि 3 करोड़ 60 लाख रुपीज़ होने चाहिए। आप ये पे कर दो और आप इन सर्विसेज से दूर चला सकते हो, आपको MBBS डिग्री मिल जाएगी, बट आपको ये पे करना पड़ेगा तब जाके आप ये चीज़ों को छोड़ सकते हो, अदरवाइज आपको ये रूल फॉलो करना ही पड़ेगा। अब ये इतना किया क्यों गया है वो भी मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा। अब 3 रूल्स के बारे में आपने पढ़ लिया, अब नेक्स्ट बात करते हैं। फोर्थ रूल है इफ यू लीव MBBS। तो अगर आपको बीच में छोड़ने का मन करता है कि हम यहाँ से MBBS नहीं कर सकते, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा कि इस तरीके से आपको वहां पर रहना पड़ेगा और इसके बिना रहना पड़ेगा, तो फिर आपको कैसा लगेगा। तो देखो, आपको MBBS अगर बीच में छोड़ने का मन करता है तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, लेकिन उस ऑप्शन पे जाने से पहले आपको 1.80 करोड़ रुपीज़ आपके पास होने चाहिए, आपको वहाँ पर कॉलेज में जमा करवाने पड़ेंगे 1 करोड़ 80 लाख रुपए और आप अपनी MBBS सीट छोड़ सकते हो। तो ये ऑप्शन भी आपके साथ छूट जाता है कि हो सकता है जिसके पास इतने पैसे होंगे तो वो इस कॉलेज में क्यों ही एडमिशन लेगा, बाकी और कॉलेजेस बहुत सारे हैं जहाँ पर आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी, तो वहां पर आप MBBS करना प्रीफर करोगे। तो देखो, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी वापस नहीं होंगे, तो अगर आप ये सब करते हो तो आप एलिजिबल हो, लेकिन एलिजिबल भी इस तरीके से हो कि आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ से अवेलेबल नहीं करवाए जाएंगे। तो ये 5 रूल्स जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, और भी बहुत सारे रूल्स हैं वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, बट ये 5 रूल आपको जो बॉन्ड पॉलिसी के अंदर में आते हैं वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं एक फुल तरीके से, यानी कि सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बातें हैं तो वो यही हैं जिनके कि इंसान ज़्यादा सफ़र होता है। अब बात करते हैं कि आपको ये MBBS सीट छोड़नी पड़ेगी तो क्यों छोड़नी पड़ेगी। आप ये सोच रहे होंगे कि अगर आपका तो टारगेट ही MBBS करना था, तो अगर आपको कोई फ्री में MBBS करवा रहा है तो हम क्यों नहीं करेंगे। तो अब ध्यान से सुनना कि आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप वहां पर रहते हो तो, और रहना ही पड़ेगा। तो चलो देखते हैं, मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा लास्ट में कि कितने कट ऑफ रही थी, कितने रैंक के ऊपर यहाँ पर एडमिशन हुआ था। तो देखो, यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है कि नो पर्सनल मोबाइल्स। तो आपके पास वहां पर कोई पर्सनल मोबाइल रखने की परमिशन नहीं होगी, आपके पास एक मोबाइल फोन होगा जो कि पूरे हॉस्टल के लिए एक ही अवेलेबल होगा, आपके वार्डन के पास हो सकता है या फिर हो सकता है कि आपके हॉस्टल में अवेलेबल हो, जिसमें से भी आप अपने घर वालों से बात कर सकते हो सिर्फ महीने में एक बार। तो यहाँ पर मैंने नोट किया हुआ है कि नो कॉन्टेक्ट विथ फैमिली, तो एक हफ्ते तक सिर्फ एक ही बार अपनी फैमिली से बात कर सकते हो, यानी कि एक ही बार अपनी फैमिली से बात कर सकते हो, वो भी एक कॉमन फोन से अपने वार्डन को बोलकर, या फिर हॉस्टल से परमिशन लेकर आप अपने घर वालों से बात कर सकते हो, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नो GF और नो BF, यानी कि कोई गर्लफ्रेंड और कोई बॉयफ्रेंड नहीं, जो कि आज के ज़माने में एक नॉर्मल बात हो गई है, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, बट एक नॉर्मल सी बात है कि जिंदगी में सब कुछ आपने इतनी मेहनत की है तो आगे आपको ये तो करना लाजमी सी बात है, लेकिन इस कॉलेज में अगर आपने एडमिशन लिया तो कोई ऐसा सोचना भी मना है। देखो, यहाँ पर ओनली शॉर्ट हेयर स्टाइल, तो जो लड़के हैं उनको सिर्फ छोटे बाल रखने हैं, जो कि आपने स्टार्टिंग में जब आपकी स्कूलिंग थी प्राइमरी स्कूलिंग उसमें भी आपने यही किया होगा और आप आज तक भी उस बात से बहुत परेशान होते होंगे। तो आप सोच के देखो कि अगर आपको इस टाइम पर ये सब करने के लिए बोला जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो छोटे बाल आप रख सकते हो। नो जीन्स, ओनली सिंपल ड्रेस विथ फॉलो ऑल द एकेडमिक रूल्स। तो जी हाँ, आपको यहाँ पर लड़कियों के लिए भी 2 पोनीज करके जानी होगी यहाँ पर कॉलेजेस के अंदर। मैंने शॉर्ट हेयर्स इसलिए बोले हैं लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए भी ये है कि उनको अपने 2 पोनीज जो कि वो अपने स्कूल के ज़माने में करती होंगी, तो वो आप ध्यान रख लेना कि आप किस तरीके से यहाँ पर मैनेज कर सकते हो तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। बाकी मेरा काम है आपको वो सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स देना जो आपके लिए ज़रूरी है। हो सकता है किसी के लिए ये बहुत गलत बात हो, यानी कि कोई इसको सस्टेन नहीं कर सकता, बट वो बच्चा जो चाहता है कि उसको फ्री में MBBS करने को मिले, उसके पास नहीं है इतने पैसे कि वो कहीं से और MBBS कर पाए, तो उसके पास और कोई चारा नहीं है ये समझौता करने के अलावा। तो मुझे जानकारी देना, क्योंकि इस चैनल से आप सब लोग जुड़े हुए हो तो मेरा फर्ज है कि आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूँ, बाकी उस पर प्लीबेट करना वो आपके ऊपर है। तो आपको जो सारे रूल्स हैं, और भी बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन नहीं रख सकते, हॉस्टल में रहना कंपलसरी है, आप हॉस्टल से बाहर कहीं नहीं जा सकते, हॉस्टल में ही सब कुछ करना होता है, और जितने रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। अगर सब कुछ डिस्कस करने लगा तो 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा, बट इन चीज़ों से जो मैंने शॉर्ट में आपको बताई हैं इनसे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पर रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो ये थी बातें,
आपको इस कॉलेज के बारे में, लेकिन इतना जरूर है कि आपको फ्री में MBBS करने को मिलेगा, आपका कोई भी चार्जेस वहां पर नहीं लगने वाला सिवाय आपके फ़ोन के। जबकि आजकल के मेडिकल कॉलेज में ये होता है कि जैसे ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो वहां पर व्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं या फिर अपने अलग अलग पोस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, बच्चों को गाइड करना स्टार्ट कर देते हैं अपने नॉलेज के बेसिस पर। तो एक वो बच्चा जिसके इतने सारे सपने हैं वो कैसे दूर रह पाएगा? मोबाइल फोन्स आप मेडिकल कॉलेज में देखते होंगे, अगर आपने किसी को देखा होगा तो मैं तो पर्सनल अपनी नॉलेज की बेसिस पे बता रहा हूँ कि फोन्स तो अपन मेडिकल कॉलेज में ऐसे होते हैं कि हम टेबल पे सामने रखते हैं ताकि अपने जो भी आपकी अपडेट्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो चेक करते रहते हैं। लैपटॉप्स आप रख सकते हो, अपने टैब्स रख सकते हो, और बाकी फोन्स तो आप अपने एपरिन के हो, तो ये मतलब बहुत नॉर्मल सी बात होती है मेडिकल कॉलेज में। तो वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं होती मोबाइल फ़ोन रखने के लिए, और GF VF का भी कोई सिस्टम नहीं होता। वो आप इस चीज़ों से अवेयर हो क्योंकि सोशल मीडिया अब हर जगह पर फैला हुआ है। तो ये बात हुई इस चीज़ों के बारे में, आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। अब बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी रहती है और कितने रैंक पर यहाँ पर एडमिशन हुआ था। तो बात करें कट ऑफ के मार्क्स के ऊपर और रैंक के बारे में 2023 की, क्योंकि ये 2023 में ही ओपन हुआ था तो ओनली एक ही डाटा अवेलेबल है। तो 604 मार्क्स के ऊपर और 26,753 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर यहाँ पर एडमिशन मिला था, जो कि ऑल इंडिया कोटी के मार्क्स यानी कि 610 मार्क्स के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ था। उस रैंक के ऊपर आपको कॉलेज अलॉट हुआ था, लेकिन यहाँ पर 6 मार्क्स का डिफरेंस है। तो इससे आप चेक कर सकते हो, इस साल भी अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर एडमिशन लेना तो आप ले सकते हो। एडमिशन कोई भी यहाँ से करवा सकता है। स्पीटी मैंने आपको बता दी है, फीस आपको मैंने समझाई दिया है कि जीरो फीस होगी, और किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हो कॉलेज के बारे में मैंने बता दिया। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखी होंगी। रूल्स मैंने जो इम्पोर्टेंट थे वो डिस्कस कर दिए हैं, बाकी बहुत बड़ी लिस्ट है तो वो आप अगर आप इंटरनेट पर चेक करोगे तो आपको मिल जाएगी। बाकी आपको कैसी लगा वीडियो मुझे जरूर कमेंट करके बताना। बाकी मैं काउंसलिंग तक आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा, काउंसलिंग से रिलेटेड, मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड, और आपका स्कोर, आपकी रैंक और कहां पर आप एडमिशन लेना चाहते हो वो मुझे जरूर बताना, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।